हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी साइट। आज हम पढ़ेंगे कादंबरी के बारे में, जो कि एक संस्कृत की रोमांटिक नोवेल है जिसे बाणभट्ट ने लिखा था। लेकिन इसे पूरा कंप्लीट करने के पहले ही उनकी डेथ हो गई। उसके बाद उस नोवेल को उनके सन भूषण भट्ट ने उन्हीं के बनाए हुए स्टोरी लाइन को फॉलो करते हुए उसे पूरा किया। इस नोवेल को संस्कृत में दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पूर्व भाग जिसे बाणभट्ट ने लिखा है और उत्तर भाग जिसे भूषण भट्ट, जिन्हें पुलिंद भट्ट के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने लिखा है। इस नोवेल का मेन कैरेक्टर चंद्रपीड है और मेन फीमेल कैरेक्टर है कादंबरी, जिसके नाम पर इस नोवेल का नाम पड़ा है, जिसका नाम हमें इस नोवेल के मिड पॉइंट पर मिलता है। कादंबरी के अलावा बाणभट्ट ने हर्षचरित भी लिखा है, जिसमें उन्होंने अपने किंग हर्षवर्धन की बायोग्राफी लिखी है। बाणभट्ट 7th century के संस्कृत प्रोज राइटर और पोएट थे। इस नोवेल में शूद्रक, जो कि एक बड़े और प्रॉस्पेरस एम्पायर का किंग है, वह अपनी कैपिटल यानी राजधानी विदिशा में रहता है, जहां पर उसकी रॉयल कोर्ट है। एक दिन एक चांडाल गर्ल, जो बहुत ब्यूटीफुल है और लो कास्ट से बिलोंग करती है, किंग शूद्रक की कोर्ट में आती है और किंग को एक पैरेट गिफ्ट में देती है, जिसका नाम सुख है। किंग पैरेट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद पैरेट कई दिनों तक उनके रॉयल पैलेस में रहता है और तरह तरह की डिशेज खाने के बाद वो पैरेट किंग की परमिशन लेकर अपनी स्टोरी नैरेट करने में लग जाता है। वो अपनी स्टोरी में बताता है कि जब वह एक बेबी पैरेट हुआ करता था, तब वो विंध्या के फॉरेस्ट में रहता था, लेकिन एक दिन हंटर्स के ग्रुप ने उसकी कॉलोनी पर अटैक कर दिया, जिससे वो अपनी जान बचाकर भागा, लेकिन कॉलोनी के कई बर्ड्स और एनिमल्स उस अटैक में मारे गए। उसके बाद पैरेट यहाँ वहाँ भटकता रहा और कई दिनों बाद वो एक डिवाइन सेज के पास रहने लगा, जिसका नाम जवाली है। जवाली के पास पास्ट देखने की पावर्स हैं। जब जवाली पैरेट की ऐसी कंडीशन देखता है, तो वो पैरेट को उसके पास्ट की स्टोरी नैरेट करने लगता है, जिसे सुनने के लिए जवाली के साथ बैठे दूसरे हर्मिट्स और क्यूरियस हो जाते हैं। यहाँ से पैरेट की नैरेटिंग स्टोरी के अंदर जवाली की नैरेटिंग स्टोरी शुरू हो जाती है। जवाली बताता है कि पैरेट अपने पिछले जन्म के बुरे कर्मों का फल भोग रहा है। जवाली की स्टोरी आगे बढ़ती है, जिसमें वो बताता है कि अवंती राज्य में उज्जैनी नाम का एक नगर था, जिसे कई सालों पहले किंग तारापीड रूल किया करते थे। वो बहुत प्रॉस्पेरस थे और उनके एम्पायर में सभी लोग आराम से रह रहे थे, पर उनके पास एक भी पुत्र नहीं था, इसलिए वो मेंटली डिस्टर्ब रहा करते थे। एक रात किंग तारापीठ ने अपने ड्रीम में देखा कि चंद्र यानी द मून गॉड उनकी क्वीन बिलासवती के माउथ के अंदर चले गए। अगले दिन किंग तारापीठ ने ये ड्रीम अपने चीफ मिनिस्टर सुकनास को सुनाया, जिसे भी कुछ ऐसा ही ड्रीम लास्ट नाइट आया था, जिसमें एक वाइट फिगर ने उसकी वाइफ मनोरमा की लैप में एक पुंडारिका यानी लोटस फ्लावर रख दिया था। कुछ दिनों बाद बिलासवती और मनोरमा दोनों एक एक बच्चे को जन्म देती हैं। तारापीड के सन का नाम चंद्रपीड रखा जाता है और सुकनास के सन का नाम वैशम्प्यान रखा जाता है। और कुछ टाइम के बाद इन दोनों के बीच अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है, क्योंकि दोनों साथ में स्टडीज कम्प्लीट करते हैं। चंद्रपीड अपने लिए एक पावरफुल हॉर्स को एक्वायर करता है, जो उसके फादर उसे गिफ्ट में देते हैं, जिसका नाम इंद्रयुद्ध है। अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके चंद्रपीड और वैशम्प्यान उज्जैनी वापस आ जाते हैं, जहां पर उन दोनों के आने पर सेलिब्रेशंस होते हैं। कुछ टाइम उज्जैन में रुकने के बाद सुकनास उन्हें एडवाइस देते हैं, जिसके बाद वो दोनों एक बड़ी आर्मी को तैयार कर वर्ल्ड विनिंग कैंपेन पर निकल जाते हैं। इस दौरान वो कई कंट्रीज के किंग्स को हराते हैं और फिर वो कुछ दिनों का रेस्ट लेने के लिए हिमालयास के स्वर्णपुरा में रुकते हैं। एक दिन चंद्रपीड शिकार पर जाते हैं, जहां रास्ते में उन्हें एक किन्नरों का जोड़ा मिलता है, जो डेमीगॉड्स की रेस से बिलोंग करते हैं। प्रिंस उनका पीछा करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पकड़ पाते हैं और अपना रास्ता भटक जाते हैं। घूमते घूमते वो एक ब्यूटीफुल लेक के किनारे पहुंचते हैं, जिसका नाम अक्षोद है, जहां पर वो पानी पीते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। तभी उन्हें वीणा की मधुर धुन सुनाई देती है, जो पास के ही एक टेंपल से आ रही होती है। जब वो वहां जाकर देखते हैं, तो पाते हैं कि एक ब्यूटीफुल लेडी, जिसने साधुओं की तरह कपड़े पहने हुए हैं, वो लॉर्ड शिवा की वर्शिप कर रही है। उसका नाम महाश्वेता है। चंद्रपीड महाश्वेता से उसकी कहानी सुनाने के लिए कहते हैं। महाश्वेता कंटिन्यूस फ्लो ऑफ टीयर्स के साथ अपनी स्टोरी स्टार्ट करती है, जिसमें वो बताती है कि वो एक गंधर्व कुमारी है,
जिन्हें डेमी गॉड्स भी कहा जाता है। एक दिन वो अक्षोद लेक पर नहाने के लिए जा रही थी, जहाँ पर उसे दो यंग सेज मिलते हैं, जिनका नाम पुंडारिका और कपिंजला है। वहाँ श्वेता पुंडारिका के लव में पड़ जाती है। पुंडारिका गॉडेस लक्ष्मी का सन है, जिसे उन्होंने श्वेत केतु को देखकर कंसीव किया था। धीरे धीरे पुंडारिका और महाश्वेता एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद महाश्वेता को वापस अपनी फैमिली के पास जाना पड़ता है, जिससे पुंडारिका की डेथ हो जाती है, क्योंकि वो महाश्वेता से अपार्ट यानी अलग नहीं होना चाह रहा था। जब कपिंजला महाश्वेता को इसके बारे में बताता है तो महाश्वेता को बहुत दुख होता है और वह खुद भी सुसाइड करने का प्लान करती है। लेकिन जब वो ऐसा करने जा रही होती है, तब कुछ डिवाइन बींग्स जो कि स्काई से पुंडारिका की डेड बॉडी को लेने आते हैं, वो उसे ऐसा करने से रोकते हैं और बताते हैं कि तुम दोनों आगे रियूनाइट जरूर होगे। उसके बाद कपिंजला भी उनके साथ वापस स्काई की ओर चला जाता है। उन डिवाइन क्रीचर्स का ये स्टेटमेंट सुनकर महाश्वेता सारे वर्ल्डली प्लेजर्स को क्विट कर देती है और एक बड़ी ही सिंपल लाइफस्टाइल को फॉलो करने लगती है। इसके अलावा महाश्वेता चंद्रपीठ को अपनी एक फ्रेंड कादंबरी के बारे में भी बताती है, जो भी उसी की तरह ऐसा व्रत कर रही है, लेकिन वो नहीं चाहती कि उसकी फ्रेंड ऐसे अपनी लाइफ स्पॉइल कर ले, इसलिए वो चंद्रपीठ को उससे मिलाना चाहती है ताकि वो उसे समझा सके। ये कहानी सुनने के बाद चंद्रपीठ और महाश्वेता दोनों हेमकेतु माउंट पर जाते हैं, जो कि गंधर्व का रेसिडेंस है। वहाँ पर जैसे ही चंद्रपीठ कादंबरी को देखते हैं, वो दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं। कुछ टाइम बाद जब चंद्रपीठ और कादंबरी एक दूसरे के बहुत क्लोज आ चुके होते हैं, तब चंद्रपीठ के पिता तारापीठ का लेटर उनके पास पहुँचता है, जिसमें वो चंद्रपीठ को पूरी आर्मी के साथ उज्जैनी लौटने का निर्देश देते हैं। लेकिन चंद्रपीठ वैशंप्यान को वहीं रोककर खुद उज्जैनी लौट आते हैं। कुछ टाइम बाद जब वो वापस अक्षोद लेक पहुंचते हैं, तो वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि वैशंप्यान को महाश्वेता ने कर्ज कर दिया है, क्योंकि वो महाश्वेता से अट्रैक्ट हो चुका था और बार बार उसे परेशान कर रहा था। महाश्वेता के इस कर्ज के अकॉर्डिंग वैशंप्यान एक पैरट बन जाएगा, और ये वही तोता है जो अभी इस वक्त स्टोरी को नैरेट कर रहा है। ये बात सुनकर कि उसका बचपन का इतना क्लोज फ्रेंड वैशंप्यान अब एक तोता बन गया है, चंद्रपीठ की भी डेथ हो जाती है। चंद्रपीठ को डेड देखकर उसकी लवर कादंबरी भी सुसाइड करने का डिसीजन लेती है, लेकिन तभी एक ओरेकल यानी आकाशवाणी होती है कि महाश्वेता और कादंबरी दोनों अपने अपने लवर्स से वापस रियूनाइट होंगी। थोड़ी देर बाद इंद्रयुद्ध, जो कि चंद्रपीठ का हॉर्स है, उस अक्षोद लेक में कूद जाता है और वहाँ से कपिंजला के रूप में बाहर आता है, जो बताता है कि मून गॉड और पुंडारिका ने एक बार एक दूसरे को कर्ज किया था कि वो दोनों बार बार इस अर्थ पर जन्म लेते रहेंगे, और उसे श्वेत केतु ने एक हॉर्स बनने के लिए भी कर्ज किया था। और वो ये भी बताता है कि चंद्रपीठ, जो कि मेरा यानी इंद्रयुद्ध का राइडर होगा, वो मून गॉड का फर्स्ट बर्थ होगा और पुंडरीक उनका कंपेनियन बन के वैशंप्यान के रूप में आएगा, इसलिए वो चंद्रपीठ को यहाँ लेकर आया था। यह सुनकर महाश्वेता और कादंबरी और अपसेट हो जाते हैं और यहाँ जावाली की नैरेटिंग स्टोरी एंड हो जाती है। पैरट बताता है कि चंडाल गर्ल खुद को उसकी मदर बताती है। तब शूद्र का चंडाल गर्ल को बुलाकर पूछता है, तो वो बताती है कि वो गॉडेस लक्ष्मी है, जो कि पुंडारिका की मदर है। यह सुनकर शूद्रक को सब ध्यान आ जाता है और सारे कर्ज एंड हो जाते हैं। इस स्टोरी का मेन पार्ट है इन सभी की मिडिल बर्थ, जहां कादंबरी जब चंद्रपीठ को वापस टच करती है तो वह फिर से जीवित हो जाता है और उसे शूद्रका वाले जन्म से छुटकारा मिल जाता है। पुंडरीक भी हेवन से महाश्वेता के पास वापस आ जाता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। बाद में चंद्रपीठ उज्जैनी को पुंडरीक को सौंप देता है और ये स्टोरी यहाँ एंड हो जाती है। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।